वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं ब्लॉक ऐप्स एप्लीकेशन के अंदर, जिसके अंदर से आप कुछ ऐप्स वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं या फिर जो प्राइवेट वेबसाइट होती है उसको आप चाहो तो ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मतलब एक तरीके से ब्लॉकिंग एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर आप कुछ एप्लीकेशन या फिर प्राइवेट डाटा वगैरह आप चाहो तो इसके अंदर ब्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड डिजिटल वेलिंग वगैरह, आप यहाँ पर आपको क्रिएट अ ब्लॉक्स वगैरह आप यहाँ पर चाहो तो क्रिएट कर सकते हैं। सेट और आप यूजर्स लिमिट यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप जहाँ से यहाँ पर एप्लीकेशन को यहाँ पर ब्लॉक करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर इसे ऑन कर लेना ऑन यूर ऐप से, और यहाँ पर आपको उनमें से कट आउट कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन दे देनी है, फिर यहाँ पर आपको परमिशन वगैरह परमिशन वगैरह यहाँ पर हमें इनेबल कर चुका हो, यहाँ पर आपको सिंपली इनेबल कर लेना है। यहाँ पर आपको दे देना है, यहाँ पर यहाँ पर इसे एलो कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे आप इसे ऑन कर नोटिफिकेशन एक्सेस वगैरह दे देना है, यहाँ पर आप चाहो तो नोटिफिकेशन एक्सेस दे सकते हो, यहाँ पर एलो कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले ओवर देना है और यहाँ पर इसे सेटिंग को एलो कर देना है। यहाँ पर एक सेकंड सेटिंग में इसे एलो कर देते हो, फिर उसके बाद बैक करना है एक सेकंड, यहाँ पर उसे एप्लीकेशन को प्रेस ओपन कर दो। तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आप जैसे ऑप्शन आता है ब्लॉक्स का, तो यहाँ पर आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चाहो तो एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। सिलेक्ट वाट टू ब्लॉक, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप मैं सिलेक्ट करूँ, सब उसको एक एप्लीकेशन यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे कोई भी एक ब्राउज़र वगैरह यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर, सब कुछ यहाँ पर मैं ब्लॉक न्यू डिस्ट वगैरह आप यहाँ पर चाहो तो ब्लॉक कर सकते, कोई भी एक एप्लीकेशन वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, या फिर वेबसाइट वगैरह आप यहाँ पर कोई एक ही वेबसाइट का आप यहाँ पर नाम डालोगे तो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स वगैरह आप यहाँ पर डालोगे तो वो कीवर्ड भी ब्लॉक हो जाएंगे। इसका इस तरीके से आपको यहाँ पर चाहो तो रजिस्ट्रेशन लगा सकते हो, मतलब यहाँ पर आपको कितना घंटा आप यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। लॉन्च काउंट लिमिट वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसका इनेबल स्ट्रिक्ट मोड, यहाँ पर आप स्ट्रिक्ट मोड वगैरह आप इनेबल कर सकते हो। ऐप लॉन्च एंड नोटिफिकेशन वगैरह आपको चाहो तो बंद कर सकते हो, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह। फिर इसके यहाँ पर आपको ऐप यूसेज का आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है, पूरा मतलब पूरा दिन में आपने कितना मतलब फ़ोन यूज़ कराया था यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। फिर इसका रिवॉर्ड्स का ऑप्शन आएगा, तो इसके अंदर आप कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह चाहो तो ऐड कर सकते हो, यहाँ पर अर्जमेंट का ऑप्शन आएगा वगैरह वगैरह आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मतलब सिंपली आप इससे एप्लीकेशन या फिर अपना जो स्क्रीन टाइम है या फिर कौन कौन सा एप्लीकेशन आपने कितने बार यूज़ किया है या फिर कौन कौन सा डाटा आपने कितना डाटा आपने स्पेंड किया है कैसे आया कि एप्लीकेशन के ऊपर, इसका आप एक तरीके से डाटा भी निकाल सकते हो और एप्लीकेशन को वेबसाइट्स को या फिर और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एप्लीकेशन वेबसाइट से कुछ कीवर्ड्स वगैरह आप चाहो तो इसके अंदर ब्लॉक कर सकते हो। बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने की जो लिंक है उसको मैंने पिन कमेंट के अंदर दे रखा है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक ब्राउज़र के अंदर एक टैब ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो आपके सामने एक सेकंड यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया टैब यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको एक टैब मिल जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर ब्लॉक ऐप्स एंड साइड वगैरह आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। इस तरीके से आपको एक लिंक मिलेगी, इससे आपको ओपन कर लेना है पिन कमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो वेट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो ऑल पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है और दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करने के बाद अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो।